50 से 70 हजार के बीच में मेरे पास मंथली आ जाता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन लॉयर पहली बार कितना कमाता है। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, और प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है कि मेरी फर्स्ट इनकम क्या थी एज एन एडवोकेट, तो वो चीजें बताऊंगा। लॉयर आप तब तक लॉयर रहते हो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एडवोकेट बन जाते हो। ये मैंने डिफरेंस बता रखा है, आप लोग देख लेना जाके वीडियो में, पता चल जाएगा लॉयर एडवोकेट में क्या होता है, वो बात नहीं करते अपन। एज एन एडवोकेट आप कितना कमा सकते हो पहली बार में, फर्स्ट इनकम आपकी क्या रहेगी एडवोकेट की, तो उस पे ये वीडियो, वीडियो से बने रहना एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना। कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप लोग फॉलो कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग फॉलो कर लेना। बात करते हैं कि अपन यार फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट कमाता कितना है पहली बार में। देखो भैया, कोई फिक्स नहीं है, प्राइवेट एडवोकेट की कोई इनकम फिक्स नहीं रहती, एपीओ की फिक्स रहती है, तो वो अलग चीज है, एपीओ की बात नहीं कर रहा मैं। प्राइवेट एडवोकेट जो होते हैं, जो खुद प्रैक्टिस करते हैं जाके, उनकी कोई फिक्स नहीं है। अब जैसे मैं गया, जैसे मैं पहले कोर्ट नहीं जाता था, मैं लाइजनिंग का काम करता था। फॉर एग्जाम्पल लाइजनिंग का काम भी कर सकते हो आप, आपकी जानकारी है, काम तो निकलता है, मेरिट, एक तो मेरिट बेस पर लड़ो आप केस, एक लाइजनिंग से काम करवा दो, अपने आपकी जानकारी है तो काम करवा दो। तो मैं जैसे फर्स्ट टाइम मैंने कोई बेल करवाई थी तो मुझे 30,000 रुपये मिल गए घर बैठे। मैंने वो भेजा था ऐसे ही, मैं गया भी नहीं था कोर्ट, मैंने किसी के थ्रू करवाई थी तो मुझे 30,000 मिल गए। और फिर मैंने एक दो बार रजिस्ट्री करा दी तो उसके 10 से 15 हजार रुपये मिल गए। तो ये मेरे उस टाइम था, फिर मैं लाइसेंस छुड़वा देता था, मैं कोर्ट नहीं जाता था, मैं घर बैठे ही काम करवा देता था, तो मैं लाइसेंस छुड़ाने के 5,000 ले लेता हूँ। तो ये मैंने बहुत लाइसेंस, ये पहले मेरे अनऑफिशियली चलते रहते थे सारी चीज, कोई तो ये फिक्स नहीं थी चीजें, ये मेरे टैलेंट है। लोग 1,000 रुपये में लाइसेंस छुड़वाते हैं, फाइन के अलावा बता रहा हूँ, फाइन लगता है, उसके बाद अपनी फीस कोई 500 भी लेता है, कोई 1,000 भी लेता है, कोई 1,500 भी लेता है, डिपेंड करता है आदमी आदमी पे, एडवोकेट एडवोकेट पे डिपेंड करती है सारी चीजें, बेल के भी डिपेंड करते हैं आप कितने लेते हो, तो ये चीजें। और मैं कोई केस देता हूँ किसी को तो परसेंटेज फिक्स है मेरा, पैसे लेता हूँ मैं केस किसी को देने के लिए अपना। आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि आरजेएस एपीओ जेएलओ की वैकेंसी कब आएगी, तो उस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी थी, अन अकेडमी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी, कर रहे हैं, अन अकेडमी भी कर रहा है उसमें, तो अन अकेडमी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया है। जितने भी उनके सब्सक्रिप्शन है, उनका जितने भी जुडिशरी के कोर्स है, उसमें 20% ऑफ मिल रहा है, जो बच्चा नया ज्वाइन करेगा उसको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा। कोड यूज करना FJV10, इससे आपको ऑफ मिल जाएगा। बट एक बात ये भी है कि 31 जनवरी से ये अपनी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं 20%, तो आपको टेक्निकली 40% ऑफ मिल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी जो प्राइस है अनअकैडमी की, वो 20% ऑफ में मिल जाएगा, मेरा कोड यूज करेंगे FJV10। जो 20% से ऊपर जो प्राइस आपको ऑफ नहीं लेते, जो प्राइस अभी प्रेजेंट में है, अगर 20% ऑफ नहीं मिलता तो उसके 31 जनवरी के बाद ये 20% और इंक्रीज हो रहा है, तो 40% आपको सेव करने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका मत छोड़े आप लोग। मैं तो इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को कोचिंग करनी है, जुडिशी की प्रिपरेशन करनी है, अन अकेडमी ज्वाइन करे, टॉप एजुकेटर है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है, स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, टेस्ट मटेरियल मिल जाता है, GK, करंट अफेयर, लोकल लॉ, माइनर लॉ, मेजर लॉ, सब जगह सब चीज आपको एक जगह ही मिल जाती है, तो अन अकेडमी को ज्वाइन करें। कोड जरूर यूज करना FJV10, इससे आपको ये ऑफर मिलेगा अप टू 20%, टेक्निकली 40% ऑफ मिल रहा है, और ये ऑफर कल लास्ट है, 28 जनवरी तक ही वैलिड है ऑफर, तो आज ही लें इस ऑफर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्लिक करें। सब चीज फिक्स है, अपन फ्री में काम नहीं करते। देखो जो फ्री में काम करने लग गया ना एडवोकेट में, उसका कभी कुछ नहीं होगा। अपनी इनकम फिक्स करो, अपना जो टैलेंट, मतलब आपने जो पढ़ाई करी है उसमें पैसा खर्च किया है, तो आपको आपको इनकम तो चाहिए, तो ये मत करना कि मैंने ये बहुत चीज करी है फ्री में, तभी मैं बता रहा हूँ, खुद भुगत भूगी हूँ मैं। और जब पैसे लेके किसी का काम करोगे ना, वो ज्यादा इज्जत करेगा आपकी, ये बात हमारे बड़े भाई साहब कहते थे, बस ये बात सही है उसकी। तो पैसे लेके अगर किसी का काम करोगे ना, वो ज्यादा इज्जत करेगा आपकी, तो इसलिए पैसे लिया करो, अपनी फिक्स कर लो कि मैं इतना तो लूंगा, चाहे 500 रुपये लूंगा, 1,000 रुपये लूंगा लाइसेंस छुड़वाने के लिए, ये सब चीजें फिक्स कर लो आप।
और छोटी छोटे नहीं है काम, कोई लाइसेंस छुड़वा रहा है, ये कोई छोटे काम नहीं है, आपको पहले छोटा सीखना ही पड़ेगा तभी ऊपर जाओगे। अब बात आती है कि अब कितना मेरे पास पैसा आ जाता है। मैं रेगुलर बेसिस पे अभी भी कोर्ट नहीं जाता, कोई काम होता है तभी मैं कोर्ट जाता हूँ। तो आप लोग यकीन करोगे नहीं करोगे। अब फिर मैंने क्या यूट्यूब चैनल भी खोल लिया। आप लोगों को भी मैंने इससे इनकम नहीं बताई, इसकी क्या इनकम रहती है, क्या रहता है, और सारी चीज का भी बताई नहीं। तो अभी भी मैं ऐसा कोई, पर मैं अपनी ये बताऊंगा कि मेरा मंथली सब मिला मिलू के कितना आ जाता है। अभी एडवोकेट के दम पे ही आ रहा है, लॉ के दम पे ही आ रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो इनकम भी मेरी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट की रहेगी। मेरे घर में कोई एडवोकेट नहीं है, मेरी दीदी जज है, मेरे जियाजी भी जज है, बट मेरे घर में कोई एडवोकेट नहीं है। मेरी दीदी और मैंने ही लॉ किया मेरे घर में, और कोई लॉ नहीं करा हुआ मेरे घर में, तो एडवोकेट कोई है नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ कि मंथली कितना जाता है मेरे पास। 50,000 से 70,000 के बीच में मेरे पास मंथली आ जाता है आज के टाइम का। तो बस एडवोकेट की क्या इनकम फिक्स नहीं रहती, आज ये आ रहा है, कल का कुछ पता नहीं है कल क्या होगा, बट 2-3 महीने से इतना आ जाता है, ये बता रहा हूँ। फ्यूचर में भगवान चाहेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी तो और आगे करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो बस यही सपोर्ट करते रहो चैनल को, और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैंने लॉ से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, लीगल टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब पे बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं। जज की तो सोशल लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी इस चैनल के अलावा, कोई सोशल लाइफ नहीं दिखाता जज की, क्या चलता रहता है उनकी लाइफ में, सब चीज इस चैनल पे मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये बात है, देखो ये मैंने अपने बताया कि इनकम मेरी क्या इनकम रह जाती है, कितना मैं अभी कमा लेता हूँ, पहले कितना अनऑफिशियली चलता रहता था छोटा मोटा। पैसा निकालना सीखो, घर मत बैठो, पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लॉ कंप्लीट हो गई है ना, तो कुछ ना कुछ करते रहो, घर पे मत बैठो। अभी भी मैं कहूंगा कि घर पे बैठना छोड़ दो, कुछ ना कुछ करते रहो, अपने फ्रेंड सर्किल डेवलप करो, उनको केस दो तो परसेंटेज फिक्स कर लो, लाइसेंस छुड़वा रहे हो तो उसके पैसे लो, सारी चीज करो। अगर आपके पास लाइसेंसिंग है, आपकी जानकारी है कोर्ट में, तो आप घर बैठे भी काम करवा सकते हो, कोर्ट कोई काम पड़ता है तो जा भी सकते हो, इच्छा है आपकी, अगर आपके पास टाइम है, पढ़ रहे हो तो घर बैठे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं पिछले बार आरजेएस का दिया था मैंने, तो अब तो उम्मीद कम है आरजेएस का देने का, बट तुम घर बैठे आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। जब मैं कर सकता हूँ, मेरे को आप सोचोगे मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, खुद के दिमाग से ही करता हूँ मैं जो भी करता हूँ, तो ये किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे टेक्नोलॉजी के मामले में जीरो हूँ, फिर भी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, एडिटिंग करना सीखा, ये भी एक इनकम ही है। लॉ की चीज ही बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई वो तो है नहीं, तो मैं अगर लॉ नहीं करता तो ये चीज भी नहीं बता पाता। ये सब चीजें सब लॉ से ही है सारी, कहीं से भी आया मैं तो इनकम ही मानता हूँ ये अपनी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई और कुछ हो, तो ये मेरी इनकम सोर्स है। और एज एन फर्स्ट जनरेशन लॉयर एडवोकेट ये मेरा अभी रहता है, और ये चीजें मैंने आपको बता दी, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।